नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी के एक उपग्रह की। उपग्रह मनुष्य ने बहुत बनाया है, प्राकृतिक उपग्रह हमारे पास एक ही प्रकृति का दिया हुआ, वो है चंद्रमा। है चंद्रमा बहुत भाई, मुझे तो अच्छा लगता है, बड़े सारे कवि भी पसंद रही है चंद्रमा। तो ये चंद्रमा की आज हम बात करेंगे। आज हम एक संभावना पे बात करेंगे कि अगर अगर चंद्रमा गायब हो जाए, बिल्कुल गायब, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर ही न लगाए, तो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। चंद्रमा बेचारा वैसे ही बड़ा घायल रहता है, मैं आपको बता दूं। चंद्रमा को अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस चंद्रमा जिसको हम गायब होने की बात कर रहे हैं, चंद्रमा को अगर आप दूरबीन से देखें, देख गड्ढे, दुनिया भर के गड्ढे उस पर पड़े रहते हैं, और ये बताते हैं कि इससे बड़े बड़े उल्का पिंड आके टकराते रहते हैं, तो चंद्रमा वैसे ही घायल रहता है। 1187 की बात है, 1187 इस सन में क्या हुआ था मित्रों, इंग्लैंड के कैंटरबरी की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड के, मैं संदर्भ थोड़े आपको बता देता हूँ, वैसे बहुत ज्यादा नहीं बताता क्योंकि फिर वो क्लास की पढ़ाई जैसे लग लगती है, जबकि हम आपको रोचक तरीके से जानकारी देने का, लेकिन जहाँ पे संदर्भ है वहां, यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं ने कहा था कि चंद्रमा का जो छुपा हुआ भाग है उससे एक बहुत बड़ी चट्टान टकराई है बहुत तेजी से, और बहुत घातक तरीके से वहां से उनका पिंडों की बौछार होगी, क्योंकि चंद्रमा से टकरा के टूटेंगे कई, उसके चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएंगे टुकड़े। बौछार तो हुई नहीं, जो उन्होंने जैसा कहा था ऐसी बात बनी नहीं। हाँ, लेकिन पृथ्वी पर जो है 100 से ज्यादा उल्का पिंड जो है, जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच के मार करने में सक्षम रहे, वो चंद्रमा से है। चंद्रमा से है, आप कहेंगे चंद्रमा क्या टूट के इस तरीके से आ रहा है? नहीं नहीं, चंद्रमा पे जाके कोई बड़ा पत्थर उल्का पिंड कोई टकराया बड़ा, इससे जो चोट लगी उससे इसकी जमीन के पत्थर के टुकड़े टूटे, और टूट के वो चंद्रमा से निकल के इतनी तेजी से गति से गए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ गए और आके पृथ्वी से टकरा गए उल्का पिंड की तरह। तो चंद्रमा से है, और बेचारे चंद्रमा को देखो तो मैंने पहले कहा बहुत घायल, उसमें तो पता नहीं कितने लाखों उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, वो बचाए रखता है हमें, इस सब मार से बचाए रखता है हमें। अगर चंद्रमा नहीं होगा तो क्या होगा, सीधे ये उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होंगे, और पृथ्वी की ओर आकर्षित होंगे तो सोच लीजिए फिर क्या स्थिति होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा हमें बचा के रखता है, और चंद्रमा को कम ना समझिए मित्रों, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, मतलब पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी सूरज का जो चक्कर लगाती है बिल्कुल ऐसे नहीं है, इसको बीच में से एक सुई डाल के बिल्कुल सीधी नहीं घूम रही, यूं है, यानी इसके इसका अक्ष यूं है, यूं पृथ्वी यूं टेढ़ी होती है, 23 डिग्री की इसमें झुकाव होता है, 23 डिग्री। ये झुकाव जानते हैं इस झुका, ये होता ही है कि हजारों साल में एक आध बार ये झुका होने की वजह से थोड़ी सी लड़खड़ाती है, मतलब ये तो ये समझिए कि कुछ मील भी लड़खड़ा जाती है तो पूरे पृथ्वी पे भूचाल आ जाता है, और कहा जाता है हिमयुग वगैरह इसी लड़खड़ाहट की वजह से आया, किसी भारी पिंड से टकराया कुछ हुआ तो हुआ। तो चंद्रमा भी मैं आपको बता दूं 4.5 अरब वर्ष पहले कहा जाता है कि पृथ्वी से एक बहुत बड़ा कोई पिंड या कोई ऐसी भारी अंतरिक्षी तत्व आके टकराया और पृथ्वी का एक टुकड़ा पृथ्वी से अलग हो गया, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहा और वो फिर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा, ये हुआ, ऐसे चंद्रमा बना। ये 23 डिग्री का झुकाव जो है ये चंद्रमा की वजह से बना हुआ है। अगर चंद्रमा चला जाए, चंद्रमा जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपको
जानकर हैरानी होगी, शायद आपको पता हो ना पता हो, पृथ्वी पर जो ज्वार आते ना, पृथ्वी पर जो पानी है वो चंद्रमा की वजह से ऊपर खींचता है, तो ज्वार आते हैं ऊपर खूब उठते हैं। और पृथ्वी पर 70% पानी तो है, तो होता क्या है दोस्तों, चंद्रमा जब यूं चक्कर लगा रहा है, आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान से तरीके समझ जाएंगे, ये द्रव्यमान उठ के चंद्रमा की ओर थोड़ा आकर्षित होता है, उसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है ना, किसी भारी चीज का केंद्र बीच में होता है, थोड़ी हल्की के किनारे गुरुत्वाकर्षण केंद्र थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इससे चंद्रमा पृथ्वी की गति थोड़ी कम हो जाती है घूमने की, थोड़ी कम मतलब बहुत थोड़ी कम, लेकिन चंद्रमा की गति थोड़ी बढ़ जाती, थोड़ी बढ़ जाती मतलब बहुत थोड़ी बढ़ जाती, लेकिन वो बहुत थोड़ी क्या मतलब, जैसे यूं जा रहा है चंद्रमा यूं, इसकी जगह और तेज जाने लगता है, तो इसे ऐसे अगर यूं जाना चाहिए, तेज जाने के चक्कर में थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है, यानी इसके गुरुत्वाकर्षण से जरा सा ऊपर उठ जाता है, यूं समझिए ना, एक धागा हाथ में लेके घुमा रहा है, अगर धागा की लंबाई जरा सी बढ़ जाए, यानी आपका धागा उसकी पकड़ है, और धागे की पकड़ थोड़ी, अगर धागे की लंबाई बढ़ा दे मतलब उसकी पकड़ आपने थोड़ी ढीली कर दी, तो वो चीज उतनी और दूर हो जाएगी। तो ये साल में जितना आपका नाखून बढ़ता है ना, 1.39 इंच उतनी दूर चला जाता है पृथ्वी से, लेकिन ये चूंकि लाखों किलोमीटर दूर है इसलिए अभी चंद्रमा कहीं जाने वाला नहीं, घबराइए नहीं, अगर ये चला गया, आज हम इसी संभावना पे बात कर रहे हैं, अगर ये चला गया वापस अपनी पृथ्वी पे आ जाते हैं जी, ये पृथ्वी थी 23 डिग्री झुकी हुई, क्या होगा, दो संभावना है, जैसे ही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हटेगा सीधी होगी, बिल्कुल सीधी इस तरीके से, मैंने आपको जरा सी हिलती है सालों में पृथ्वी तो जलवायु ऋतु वगैरह सब बिल्कुल प्रलय आ जाती, तो या तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी या 85-90 ये होता है 85 5 ही डिग्री का फर्क हुआ, 85 डिग्री यूं टेढ़ी हो जाएगी बिल्कुल लेटी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि फिर पृथ्वी पे महाप्रलय आएगी या नहीं आएगी, आप खुद सोच सकते हैं अगर पृथ्वी की ऐसी स्थिति आ गई चंद्रमा के जाने से। चलो जी हमने इस चीज को मान लिया कि चंद्रमा के जाने से उल्कापिंड पृथ्वी पे आएंगे, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, पृथ्वी लेट जाएगी उनसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ज्वार तब भी थोड़े से आते रहेंगे क्योंकि सूरज का भी असर पड़ता है पृथ्वी के पानी पर, ज्वार आते रहेंगे उस पर थोड़े थोड़े, लेकिन चंद्रमा जैसे ज्वार की उम्मीद मत रखिएगा, जिन्हें चांदनी से नफरत है उन्हें तो लगे अब बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन फिर रातें और अंधेरी हो जाएंगी, ये तो सीधी सी समझ है, पर फिर भी आपके जीवन पे बहुत सारा असर पड़ेगा, बहुत सारे पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे जो चंद्रमा की वजह से पलते बढ़ते हैं, उनके कीट जो है ना वो रात में चंद्रमा के प्रकाश में कहीं के इधर उधर परागण करते हैं, वो परागण बंद हो जाएगा। एक चीज और बंद हो जाएगी, पूर्णिमा की रातें नहीं होंगी, और पूर्णिमा की रातों को फिर जो रहस्यमय घटनाएं होती हैं वो नहीं होंगी, रहस्यमय घटनाएं नहीं होंगी। आपको क्या लग रहा है, हम अंधविश्वास का समर्थन कर रहे हैं जी नहीं, आज चलिए चलते फिर आपको इस बारे में बताते हैं, कोई रहस्यमय घटना पूर्णिमा के दिन अतिरिक्त ज्यादा संख्या में नहीं होती, ये एक अंधविश्वास है। चंद्रमा की वजह से रहस्यमय घटनाएं होती हैं, पूर्णिमा के दिन लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, पूर्णिमा के दिन लोग हत्या करने लगते हैं, पूर्णिमा के दिन ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, और ये बाकायदा आंकड़ों पर आधारित बात है। इसलिए पूरी पूर्णिमा के दिन बस एक चीज होती है कि आप ऊपर जाके चांद को देख सकते हैं, उसको देखने का बड़ा मजा आता है। हमारे चैनल को भी देखते रहिएगा, नाम है इसका जी कैसा, हम फिर मिलेंगे, नमस्कार।